हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसमें आज हम देखने वाले टॉप 5 जॉब्स आफ्टर बीटेक। तो देखिए, बीटेक करने के बाद आपको कौन कौन से जॉब्स मिलते थे इसी के बारे में आज हम जानने वाले थे। ये वीडियो लास्ट तक देखना, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव आसान हिंदी में मैं आपके लिए लाता रहता। और चलिए देखते कि कौन कौन से जॉब्स मिलते हैं आपको आफ्टर बीटेक। देखिए, जो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है तो उसके बाद जो आप बहुत सारे जो है काम कर सकते हो, अलग अलग सेक्टर में भी जा सकते हो। बट जो टॉप में आते हैं तो वहाँ पे सबसे पहला आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो देखिए, काफी पॉपुलर जॉब है बीटेक के बाद। अगर आप बीटेक सीएस करते हो, अभी तो कोई भी बीटेक वाला, मतलब बीटेक मैकेनिकल वाला हुआ या फिर सिविल वगैरह जो है, वो सारे जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में जा रहे हैं, मतलब आईटी सेक्टर में जा रहे हैं। तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के भी काम कर सकते हो, जहाँ पे आप जो है कंपनीज होती है वहाँ पे सॉफ्टवेयर बनाने का काम कर सकते हो, जो भी वहाँ पे टीम्स होती है उसमें जो आप काम कर सकते हो। उसके बाद इसी के रिलेटेड एक जॉब आता है, वो होता है सॉफ्टवेयर टेस्टर। तो देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं, आप सॉफ्टवेयर बनाते हो बट जो सॉफ्टवेयर टेस्टर होता है, ये बना हुआ सॉफ्टवेयर उसे चेक करता है या ये सॉफ्टवेयर असल में का अच्छा है या नहीं, या कुछ इसमें कुछ प्रॉब्लम है या कुछ वर्नबिलिटीज होती है, ये चेक करने का काम सॉफ्टवेयर टेस्टर करता है। तो आप इसमें भी जो है जा सकते हो और काफी पॉपुलर होते जा रहा है अभी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो जॉब से वो भी। तो उसके बाद आता है डेटा साइंटिस्ट। आप जो डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हो बीटेक के बाद, जहाँ पे अभी काफी पॉपुलर होता जा रहा है डेटा साइंटिस्ट। इसमें अलग अलग फील्ड में भी जा सकते हो, जैसे कि देखिए अभी जो एआई है इसमें भी बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, या फिर मशीन लर्निंग हो गया, ये काफी पॉपुलर जॉब है अभी के लिए। तो आप डेटा साइंटिस्ट, एआई या एमएल इस फील्ड में भी जा सकती है, ये भी काफी पॉपुलर जॉब है अभी के लिए बीटेक के बाद। उसके अलावा हम बात करें तो वेब डेवलपर भी आप बन जा सकते हो, जो वेबसाइट वगैरह बनाते हैं आप वो भी बना सकते हो वहाँ पे भी। जो आप यहाँ पे देखिए, दो तरह के होते हैं, मतलब बैक एंड होता है और एक फ्रंट एंड होता है और एक फुल स्टैक भी होता है। फुल स्टैक मतलब देखिए, अगर आपको डेटाबेस के रिलेटेड काम करना बैक एंड में तो आप बैक एंड जा सकते हो, या अगर आपको डिजाइनिंग वगैरह पसंद है तो आप फ्रंट एंड जो डिजाइन का पार्ट होता है उसमें काम कर सकते हो, या फिर आपको जो दोनों करने। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर दोनों में से एक करोगे, अगर आप बैक एंड करोगे या फ्रंट एंड करोगे, इसमें सैलरी बहुत कम मिलती है। बट अगर आप ये दोनों काम करते हो, जिसे फुल स्टैक कहा जाता है, मतलब दोनों काम अगर करते हो फुल स्टैक में, तो यहाँ पे जो पेमेंट मिलता है, सैलरी होती है, काफी ज्यादा आपको मिलती है। उसके बाद आता है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। देखिए ये क्यों मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, देखिए अभी जो एआई वगैरह आ चुके हैं, बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर एआई के रिलेटेड, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सॉफ्टवेयर बनाने की तकनीक काफी आसान हो चुकी। एआई जो है महीनों का काम मिनटों में कर रहा है। देखिए, जहाँ पे एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए पहले 6 महीने लगते थे, अभी एआई के जरिए वो 15 से 20 दिन में हो रहा है। देखिए 15 से 20 दिन में हो रहा है, तो कितना गैप कम हो गया 6 महीने का, 15 से 20 दिन। तो यहाँ पे थोड़ा टेंशन तो है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब थोड़ा सा खतरे में, बट अभी के लिए साइबर सिक्योरिटी वालों को कोई भी खतरा नहीं है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हो तो आप एकदम बेफिक्र होके जा सकते हो, क्योंकि अभी आने वाले 10 साल तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट वालों के लिए कोई भी दिक्कत यहाँ पे जॉब के रिगार्डिंग नहीं होने वाली। तो ये कुछ जॉब्स थे जो काफी पॉपुलर है अभी बीटेक के बाद। अगर इनके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए, सवाल होगा या कोई रोड मैप वगैरह चाहिए होगा इसका, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है, वहाँ पे अगर आप डीएम करते हो तो मैं आपको वहाँ पे भी जो है पूरी इंफॉर्मेशन दे दूंगा।